लगातार जारी है। इसी बीच खबर सामने आई है कि संत राम सिंह सिंगरेवाले ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि संत राम सिंह सिंगरेवाले ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसपे कहा गया है कि वो किसानों की व्यथा को देख कर दुखी हुए हैं और खुदकुशी कर ली है। तो संत राम सिंह सिंगरेवाले ने खुदकुशी कर ली है, गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। साथ ही सुसाइड नोट भी लिखा है बाकायदा उन्होंने, और लिखा है कि किसानों की व्यथा को देखकर दुखी हूं और जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया है। खालसा जी, बहुत ही दुख की एक खबर आ। किन्ना अल्फाजा ना बोलिया जाए यह भी नहीं समझ आ रहा। बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वाले ऐसे महापुरख जिन्होंने मानवता की अंथा सेवा की, अनथक सेवा की, अज वो अकाल चलाना कर गए। उन्होंने अपने आप नूं गोली मार के खुदकुशी की। इस दुख के अंदर कि उन्होंने कहा कि मेरे तो किसानों का यह दर्द देखा नहीं जा रहा, मेरे तो किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा, जुल्म सहना भी तो जुल्म करना भी दोवें पापा, और ये चिट्ठी लिख के उन्होंने आत्मदाह कर लिया, अकाल चलाना कर गए। उस अकाल पुरख के चरणा चा विराजे। मैं अपने सारे किसान वीरां नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का निमाणा सेवादार होने के नाते आप जी के चरणा हाथ जोड़ के बेनती जोदड़ी करदा है, अपने ते संयम रखो। बड़ी तेजी नाल ये फोन आने लग पे, तेजी नाल ये चिट्ठी चलन लग पी। कोई अपना संयम ना खोवे, कोई शरारती कोई बहुत वड्डी शरारत कर सकता, कोई बहुत वड्डी घटना नूं अंजाम दे सकता इस दे मौके नूं लैके। सो मैं किसान वीरां नूं वी, किसान जत्थेबंदियां नूं वी, धरने ते बैठे हुए सारे वीरां दे चरणां च बेनती करदा है, संयम रखो, संयम रखो। उस अकाल पुरख का नाम जपो, उस सच्चे पिता परमेश्वर का नाम जपो, पर संयम रखो। किसी सूरत अंदर भी संयम नहीं खोना, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। और परम पिता परमेश्वर के चरणों च यही बेनती, जो जी अरदास ऐसी महापुरख ऐसी करने वाले संत उन्होंने अपने चरणों स्थान दो। और एक ऐसी दुख भरी घटना, एक लहरा पूरी देश और दुनिया के अंदर, संगत जी संयम रखो, संयम रखो। अब उन्होंने जो भी लिखा है वो अभी पता चल जाएगा। महाराज ने फिर बार दोबारा से बोल रहे हैं, महाराज ने कुर्बानी दी है, महाराज ने शहीदी दी है, महाराज ने सुसाइड नहीं किया है। महाराज कोई संत थे? वो उन जैसा संत नहीं है। अगर आप उनकी कथाएं, उनकी दुनिया में उनके, हम सब लोग उनके बच्चों के समान है। बच्चे भी क्या, हम तो चरणों की धूल के समान भी नहीं है। वो तो ऐसे महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी थे वो, उनका तो मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी लोगों का दर्द देखता है, जब उन्होंने लोगों का दर्द देखा, उनसे लोगों का दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ। लगातार वो दिल्ली जा रहे थे, लगातार पिछले 3 दिन से वो दिल्ली जा रहे थे, और जो पता चला है, और वहाँ पे आज उन्होंने प्रवचन भी दिए, बट बार बार उनका मन जो था वो इससे परेशान हुआ हुआ था कि विचलित था कि ये जो बच्चे हैं इनसे देखकर, बुजुर्ग देखकर इतनी सर्दी में, ठीक है, उन्होंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के चार बच्चे इसी सर्दी के महीने में गए थे। वो कहने लगे जब इतने बड़े गुरु के बच्चे चले गए तब हमारा राज नहीं था। किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी बहुत ही दुखदाई खबर सामने आई है कि संत बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंगरा वाले उन्होंने अपने आप को गोली मार के अपने जीवन की जिंदगी लीला समाप्त कर ली। कई दिनों तो कुंडली बार्डर के उत्ते संगत किसान संघर्ष में जुटे योद्धियों की सेवा कर रहे सन, पर उत्थे जो हालत है बीबियों की, बच्चों की, बजुर्गों की, नौजवानों की, उन्होंने ना सहारते हुए उन्होंने अपना एक दुखदाई सुसाइड नोट लिख के अपने आप को गोली मार के जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं समझदा कि एक संत महापुरख का अपनी जिंदगी समाप्त करने का फैसला ये इस गल का प्रगटावा है कि किसानी की इस वेले देश के कि माड़ी हालत है। जेड़े संघर्ष कर रहे हैं वह कि मुश्किल हालातों के उत्ते संघर्ष कर रहे हैं। हर रोज़ किसी न किसी मौत होने की खबर सामने आती है, पर अफसोस है कि सरकार ढीठ हुई, सुती हुई है, उन्हें मानवी कदर कीमत की जी है किसी तरह का भी इल्म नहीं। पर आज दी संत महापुरख की यह मौत इन्हें सारी मनुखता झंझोड़ के रख दिता। सो सरकार जागना चाहिए कि हालात देखो, एक संत महापुरख जो इस तरीके अपनी जिंदगी समाप्त करता है तो देखो कि हालात किस पासे जा रहे। मैं आस करता कि सरकार ये तो सबक सीखेगी। मैं गुरु महाराज अगे अरदास करता कि परमात्मा बाबा जी की आत्मा अपने चरणों के निवास बख्शे, सारी संगत को भाणा बनने का बल बख्शे,
और सारी संगत को मैं बेनती भी करता कि इस मौके अमन शांति सब सारे।